हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी ऑडियंस में। दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोन मैंने ले रखा है सैमसंग गुरु जिसे कहते हैं 1200 वाट या 1200, इस फ़ोन में अगर किसी का नंबर ऑटो रिजेक्ट मोड में या जिसे रिजेक्ट लिस्ट में लग गया है और आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम उस नंबर को रिजेक्ट लिस्ट अथवा जिसे ब्लैक लिस्ट और ऑटो रिजेक्ट लिस्ट भी कहते हैं, कैसे उससे हटाते हैं, चलिए देख लीजिए कैसे हटाते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये नंबर हम लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने कोई नंबर है, ये देखिए 123 जैसे दिखा रहे हैं, इस नंबर से हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है यहाँ से ये दिखाई दे रहा है आपको ऑटो रिजेक्ट लिस्ट एड टू रिजेक्ट लिस्ट, इसमें क्लिक कर दिया तो ये नंबर देखिए ऑटो रिजेक्ट लिस्ट में लग गया, ठीक है। अब ये नंबर मतलब फ़ोन हम अगर करेंगे तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ से फ़ोन आएगा नहीं। तो 123 का मैंने आपको एग्जांपल बताया है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेनू में जाना है, मेनू में जाने के बाद सेटिंग में आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर जाना है आपको ये आपके एप्लीकेशन मैनेजर 6 नंबर पे। इस पे जाने के बाद में आपको फिर जो कॉल का आ रहा है ऑप्शन, इसमें जाना है, फिर इसके बाद ऑल कॉल्स में जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ऑटो रिजेक्ट, यहाँ पे आप ओके कीजिए। ये देखिए जो मैंने वहाँ से 123 करके डाला था वो देखिए यहाँ पे 123 करके आ रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप जो ये नीचे आइकन बना रहा है यहाँ पे ये बीच वाला ओके का, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, जो नंबर है यहाँ से हट गया, ठीक है। लेकिन अभी नंबर इसको डिलीट करना है तो आपको ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, ये जो हरी वाली बटन है इसके ऊपर, यहाँ से जाने के बाद ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है डिलीट, इस डिलीट ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये देखिए जो नंबर था आपका डिलीट हो गया है। तो ये छोटी सी ट्रिक्स हैं जो जैसे किसी का मोबाइल नंबर अगर ऑटो रिजेक्ट लिस्ट में लग जाए। हालांकि स्टेप्स ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और लोग उसको जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको और भी ऐसे मोबाइल के बारे में जानना है और मोबाइल से रिलेटेड आपको थोड़ा सा नॉलेज या ज्ञान चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।